नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बायो गुरु पर। आज हम पढ़ेंगे स्मॉल इंस्टाइन के बारे में, यानी कि छोटी आंत के बारे में, जो कि हमारे चैप्टर नंबर 22 का पार्ट नंबर 3 है। और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल बायो गुरु को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके साइड में जो बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी नई वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें और लाइक करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहाँ हमारा टॉपिक है छोटी आंत। छोटी आंत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसमें कुछ कंफ्यूजन वाले पॉइंट्स आते हैं। सबसे पहला कंफ्यूजन आता है कि इसकी लंबाई कितनी होती है। इसकी लंबाई होती है 6.25 मीटर। कितनी लंबाई होती है इसकी? 6.25 मीटर। ये बहुत बार पूछ लिया जाता है कि छोटी आंत की कितनी लंबाई होती है। दूसरा इसमें पॉइंट आता है, जो छोटी आंत है वो भोजन का पाचन करती है, साथ ही अवशोषण भी करती है भोजन का। छोटी आंत के तीन भाग हैं। कितने भाग हैं? तीन भाग। पहला आता है ग्रहणी, जिसे हम बाद में देखेंगे इंग्लिश का नाम। दूसरा आता है मध्यांत्र, या इसे अग्र छुद्रांत भी कहते हैं। अग्र छुद्रांत। नंबर थर्ड आता है छुद्रांत्र। इन्हें इंग्लिश में कहेंगे, ग्रहणी को कहेंगे डेड्यूनम। मध्यांत्र को कहेंगे जैनुनम। और छुद्रांत्र को कहेंगे ईलियम। क्या नाम है? डेड्यूनम, जेजुनम और ईलियम। ग्रहणी, मध्यांत्र और छुद्रांत्र। जो हमारी आंत होती है छोटी आंत, ये सक्रिय होती है, लंबी होती है, नलिकाकार, और ये कुंडलित होती है। इस कारण ये हमारे शरीर में रहती है। अब कहां से कहां तक पाई जाती है छोटी आंत? छोटी आंत पाई जाती है पायरोलिक वाल्व से लेकर के, यानी कि पायरोलिक कपाट से लेकर के त्रिकांत कपाट तक। त्रिकांत कपाट को क्या कहते हैं? इलोकोकल वाल्व। ये इलोकोकल वाल्व कहां पाया जाता है ये देखेंगे। पहले इसके हिंदी में नाम देख लेते हैं, पायरोलिक कपाट और त्रिकांत कपाट। सॉरी, त्रिकांत कपाट। इसके मध्य में पाई जाती है छोटी आंत, स्मॉल इंस्टाइन, SI। तो ये देखिए कि त्रिकांत कपाट कहां होता है, डायग्राम के माध्यम से देखते हैं। जैसा कि आपको ये हमारा अंदर का सिस्टम दिखाई दे रहा है, ये आमाशय है। आमाशय से क्या जुड़ता है? छोटी आंत। छोटी आंत का कौन सा भाग जुड़ता है? ग्रहणी। छोटी आंत का ग्रहणी जुड़ता है सबसे पहले कहां? पायरोलिक कपाट से। तो इसे हम थोड़े बड़े माध्यम से समझते हैं। जैसे ये हमारा सिस्टम है, उसमें ये डायफ्राम है, ये रेड कलर का लीवर है जिसे यकृत कहते हैं, और उसमें ग्रीन कलर का जो पार्ट दिखाई दे रहा है ये हमारा क्या है? गैल ब्लैडर, यानी कि पित्ताशय। और ये है हमारा स्टमक यानी आमाशय, और उसमें जो ब्लू ब्लू कलर के बॉल्स दिखाई दे रहे हैं ये हमारा पैंक्रियाज, जिसे हम कहते हैं अग्नाशय। अग्नाशय है। हमने देखा था कि स्टमक में यहां पे पाया जाता है वाल्व, जिसे कहते हैं पायलोरिक
पायरोलिक वाल्व। ये पायरोलिक वाल्व होता है, इसकी आगे जुड़ी होती है हमारी ग्रहणी। ग्रहणी जुड़ी हुई है लेकिन इसके ऊपर फैल चुका है। ये बड़ी आंत है ग्रीन कलर की जो दिखाई दे रही है, ये बड़ी आंत, और जो पिंक कलर की दिखाई दे रही है ये है छोटी आंत। तो जो अमाशय होता है और ग्रहणी, इसके बीच में पायरोलिक वाल्व पाया जाता है। क्या काम करता है ये काम करता है जब जो हमारे आमाशय में जो काइम होता है वो काइम जब ग्रहणी में प्रवेश कर जाता है तो ये कपाट बंद हो जाते हैं, ताकि जो ग्रहणी में प्रवेश किया हुआ भोजन है वो वापस आमाशय में ना जाए। ये काम करता है पायरोलिक वाल्व। और हमने देखा था त्रिकांत कपाट यानी कि इलोकोकल वाल्व क्या करेगा, कहाँ पाया जाता है, ये स्थान पर पाया जाता है। यहां होती है हमारी ईलियम। ईलियम को हिंदी में क्या कहेंगे, छिद्रांत्र। ये इस बड़ी आंत के इस पार्ट से जुड़ी होती है। यहां बड़ी आंत का पहला पार्ट होता है सिकम। तो इसे हम थोड़ा जूम से देखते हैं तो ये हमें कुछ इस तरीके की दिखाई दे रही है। इसमें ये ग्रीन वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है आपको, ये है हमारी बड़ी आंत। और इस बड़ी आंत में जो आपको गोल पार्ट दिखाई दे रहा है इस कलर का जो पार्ट दिखाई दे रहा है आपको, ये है हमारा सिकम। इस सिकम में ये छुद्रांत यानी ईलियम ही बोलूंगी, ईलियम है। इसका नीचे का भाग फुला हुआ होता है और इसका जो हिस्सा होगा लास्ट वाला एंडिंग साइड होगी वो सिकम से जुड़ी होती है। और यहाँ पे एक वाल्व पाया जाता है जिसे हम कहते हैं त्रिकांत का पार्ट यानी कि इलोकोकल वाल्व। तो हमारी छोटी आंत कहां से कहां तक फैली हुई है, पायरोलिक वाल्व से इस तरीके से फैलती हुई। पायरोलिक वाल्व के बाद ग्रहणी जुड़ती है और ग्रहणी के बाद हमारा मध्यांत्र और मध्यांत्र के बाद हमारा छुद्रांत्र है। इसका अंतिम शिरा फूला हुआ होता है जो सिकम से जुड़ जाता है। और यहाँ पे एक इलोकोकल वाल्व पाया जाता है यानी त्रिकांत कपाट। तो ये पायरोलिक वाल्व से त्रिकांत कपाट तक फैली हुई होती है। हमारी छोटी आंत में हमने आपको बताया था कि हमारी चार लेयर्स होती हैं। आहार नाल की चार लेयर्स हैं। चार लेयर कौन कौन सी थी, सेरोसा, मस्क्यूलेरिस और सब म्यूकोसा और फिर म्यूकोसा। इसे हिंदी में हमने क्या क्या कहा था, सेरोसा को सेरोसा ही कहते हैं, सिरोसा, और मस्क्यूलेरिस है इसे पेशी स्तर कहते हैं, सब म्यूकोसा को अधश्लेष्मिका और म्यूकोसा को कहते हैं श्लेष्मिका। तो यहां पर चार लेयर्स थी, उसमें से हमारी जो म्यूकोसा होती है जिसे हम कहते हैं श्लेष्मिका। इस श्लेष्मिका में, छोटी आंत की श्लेष्मिका में कुछ वलन पाए जाते हैं। कैसे वलन, कुछ गोलाकार वलन पाए जाते हैं, सर्कुलर फोल्ड्स पाए जाते हैं। इन गोलाकार वलन को हम कहते हैं पिलिका सर्कुलर्स, पिलिका सर्कुलर्स, क्या कहेंगे, पिलिका सर्कुलर्स। और इसे वाल्व ऑफ कैकरिंग भी कहते हैं, वाल्व्स ऑफ कैकरिंग। पेलिका सर्कुलर्स पर ही पाई जाती हैं छोटी छोटी प्रवर्धनुमा यानी उंगली के समान, जैसे हमारी अंगुलियां होती है ना इस तरीके से, इसमें कुछ उभार पाए जाते हैं। किसमें, पेलिका सर्कुलर्स में उभार, अंगुली नुमा उभार पाए जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं विलाई। क्या कहते हैं, विलाई। इसे हिंदी में रशांकुर कहते हैं लेकिन इसे ज्यादातर विलाई नाम से ही जाना जाता है। तो देखिए किस प्रकार से पाए जाएंगे, डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। जैसे यहां पर ये है हमारी सिरोसा, उसके बाद आता है मस्क्यूलेरिस, हमने बनाई नहीं है, इसी के बीच में आती है मस्क्यूलेरिस, और ये पार्ट आता है हमारा सब म्यूकोसा।
सब म्यूकोजा को हम क्या कहते हैं, अध्यश्लेष्मिका। और इसके ऊपर जो ये पार्ट दिखाई दे रहा है आपको येलो कलर का, ये हमारा म्यूकोजा यानी कि श्लेष्मिका। इस म्यूकोजा में हमने बताया थे कि पिलिका सर्कुलर्स पाए जाते हैं जिसके ऊपर कुछ अंगुली नुमा प्रवर्द है। इस तरीके से ये अंगुली नुमा प्रवर्द है, इन्हें हम कहते हैं विलाई। क्या कहेंगे? विलाई यानी कि रसांकुर कहते हैं। ये रसांकुर क्या कार्य करते हैं, विलाई क्या कार्य करती है? विलाई का कार्य होता है अवशोषण क्षेत्र को बढ़ाना। जो अवशोषण की सतह होती है उसे ये बढ़ाता है, अवशोषण सतह को इंक्रीज करती है। विलाई डबल एल है यानी कि रसांकुर। इस विलाई की सतह पर छोटे छोटे और प्रवर्द पाए जाते हैं। इस तरीके से छोटे छोटे और प्रवर्द पाए जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं सूक्ष्म रसांकुर। इंग्लिश में कहेंगे माइक्रोविलाई। क्या कहेंगे? माइक्रोविलाई। ये क्या कार्य करते हैं अब हम देखेंगे माइक्रोविलाई का कार्य। माइक्रोविलाई भी अवशोषण सतह को बढ़ाती है। हमने दोनों के कार्य देख लिए, विलाई और माइक्रोविलाई। क्या होते हैं ये भी देख लिए हैं। क्या होते हैं? जो हमारी म्यूकोजा होती है उस पर कुछ गोलाकार वलन पाए जाते हैं जिसे हम कहते हैं पिलिका सर्कुलर्स, यानी से वाल्स ऑफ कैकरिंग भी कहते हैं। इन पर कुछ अंगुली नुमा उभार पाए जाते हैं जिसे हम कहते हैं रसांकुर विलाई। ये इस तरीके से अंगुली नुमा प्रवर्द है, इन्हें हमने कहा है अंगुली नुमा प्रवर्द, मतलब फिंगर टाइप के। जैसे हमारी फिंगर्स नहीं होती है इस तरीके से, होती है हमारी फिंगर्स नीचे से ज्वाइंट होती है, ऊपर से अलग होती है, थोड़े स्टैंड होता है इनके बीच में, क्योंकि यहाँ पे आती है हमारी पाम आती है, थैली आती है। तो ये अंगुली नुमा प्रवर्द इन्हें हम विलाई कहते हैं। विलाई का क्या कार्य है? अवशोषण सतह को बढ़ाना। और इन विलाई की सतह पर भी माइक्रोविलाई पाए जाते हैं यानी कि सूक्ष्म रसांकुर पाए जाते हैं, वो भी अवशोषण सतह को बढ़ाते हैं। आप यहाँ पे देखिए जो हमारी विलाई है, इन विलाइयों के मध्य में कुछ खाली स्थान दिखाई दे रहा है आपको। ये जो खाली पार्ट दिखाई दे रहा है व्हाइट कलर का, जैसे हमारी अंगुलियां होती है, ये हमारी अंगुलियां हैं और इन्हें हम विलाई मान लेते हैं, और इनके बीच का जो एक खाली पार्ट है ये, इन्हें क्या कहेंगे हम? इन्हें हम कहते हैं लिबरकुन की दरारें यानी कि क्रिप्ट ऑफ लिबरकुन। किसका कार्य देखेंगे हम? लिबरकुन की दरारों का, लिबरकुन की दरारें। इन्हें हम कहते हैं, एक नाम से और जाना जाता है आंत्रीय ग्रंथि के नाम से। इन्हें आंत्रीय ग्रंथि के नाम से भी जाता है जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इंटेंशियल ग्लैंड्स। ये इंटेंशियल ग्लैंड्स क्या काम करती हैं? ये आंत्रीय ग्रंथि आंत्रीय रस का स्राव करती हैं। किसका स्राव करती है? आंत्रीय रस का, जिसे हम कहते हैं इंटेंशियल जूस कह सकते हैं, इंटेंशियल जूस, और इसे सकस इरेक्टिकस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सकस इंटेरिकस। आंत्रीय रस को सकस इंटेरिकस भी कहा जाता है। साथ ही जो हमारी विलाई है इनमें कुछ केशिकाएं भी पाई जाती हैं। इस तरीके से केशिकाएं आती हैं, केशिकाओं का जाल पाया जाता है। ये अब हम दूसरे डायग्राम में देखेंगे केशिकाओं का जाल किस प्रकार से पाया जाता है और उन्हें क्या कहेंगे हम। ये है हमारी वही विलाई, विलाई के बीच को हम कहते हैं, इनके बीच में जो खाली स्थान है से हम कहेंगे लिबरकुन की दरारें। इन्हें हम आंत्रीय ग्रंथि भी कहते हैं यानी कि क्रिप्ट ऑफ लिबरकुन। ये विलाई है, इसके ऊपर पाई जा रही है सूक्ष्म रसांकुर।
सूक्ष्म रसांकुर यानी माइक्रोविलाई। तो मैंने बताया था कि माइक्रोविलाई में कुछ लसिका कोशिकाएं पाई जाती है, लिम्फ कैपिलरीज पाई जाती हैं। ये हमारी लिम्फ क्या है, ये है हमारी लिम्फ कैपिलरीज जिन्हें हम कहते हैं लसिका केशिकाएं। क्या कहेंगे, लसिका केशिकाएं। ये कुछ केशिकाएं हैं, लसिका केशिकाएं, और इन्हें हम कहते हैं लैक्टियल। क्या कहते हैं, लैक्टियल। इन लसिका केशिकाओं को हम लिम्फ कैपिलरीज नहीं कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं लैक्टियल। ये अब देखेंगे कि लैक्टियल क्या कार्य करता है। नंबर नेक्स्ट आता है लैक्टियल का कार्य। लैक्टिकल का कार्य है जो हमारे शरीर में छोटी आंत में जो डाइजेशन हो जाता है फूड का, तो उसमें कुछ पचित वसा होती है, डाइजेस्टेड फैट। उस पचित वसा को अवशोषित करता है लैक्टियल। क्या काम करता है, पचित वसा को अवशोषित करता है लैक्टियल। इसी तरीके से जो ईलियम होती है, ईलियम को हमने क्या कहा था, ईलियम यानी चित्रांत, इसकी जो सब म्यूकोजा लेयर है, सब म्यूकोजा मतलब एमयू MUCOS है सब म्यूकोजा, इसमें कुछ पैचेस पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, पैचेस। आपको नाम सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा होगा, पैचेस किसे कहते हैं, पैचेस कहते हैं गड्ढों को। कुछ गड्ढे पाए जाते हैं सब म्यूकोजा यानी कि अधःश्लेष्मिका में। हमने बताया था यहां पर भी वही चार लेयर हैं। कौन कौन सी है चार लेयर, पहली आती है सिरोसा, दूसरी आती है पेशिस्तर, तीसरी आती है अधःश्लेष्मिका जिसे हम कहते हैं सब म्यूकोजा, अधःश्लेष्मिका। और उसके नीचे पाई जाती है श्लेष्मिका जिसे हम कहते हैं म्यूकोजा। तो ये हमारी अधःश्लेष्मिका जिसे हम कहते हैं सब म्यूकोजा, इसमें कुछ पैचेस पाए जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं पीआरए के पैचेस, पीआरए के गड्ढे, या फिर इसे पीआरए पैचेस भी कहा जाता है। इन गड्ढों को क्या कहते हैं, पीआरए पैचेस, जो क्या काम करते हैं, ये लसिका उत्तक, ये लसिका उत्तक से बने होते हैं, राइट। लसिका उत्तक यानी लिम्फ टिश्यूज लसिका उत्तक से बने होते हैं, और ये किसका निर्माण करते हैं, ये निर्माण करते हैं लिम्फोसाइट का। दूसरे पेन से लिख देती हूं, लिम्फोसाइट का निर्माण, किसका निर्माण करते हैं, लिम्फोसाइट्स का। अब ये लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं, ये हमारी बॉडी में जो संक्रमण होता है, इन्फेक्शन होता है, उसे रोकते हैं, संक्रमण को रोकते हैं। लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं, संक्रमण को रोकते हैं। तो यहां हमने कुछ जो छोटी आंत थी उसके कुछ भाग थे उनके कार्य पढ़े हैं। क्या क्या है, विलाई, विलाई क्या था, ये अंगुलीनुमा प्रवर्त जो क्या करते हैं, अवशोषण सतह को बढ़ाते हैं। इनके ऊपर माइक्रोविलाई, ये भी अवशोषण सतह को बढ़ाती है, और इनके बीच में जो गैप है ये होती है लिवर की उनकी दरारें, ये एक आंतरीय रस श्रावित करती है जिसे हम कहते हैं सकस इंटरिकस भी कहा जाता है जिसे, और इसमें कुछ लसिका केशिकाएं होती है जिसे हम कहते हैं लैक्टियल। ये लैक्टियल क्या करती हैं, जो डाइजेस्टेड फैट होता है यानी पचित वसा होता है उसका एब्जॉर्वेशन करती हैं, उसको अवशोषित करती हैं। और जो हमारी क्षुद्रांत्र है यानी ईलियम है उसकी सब म्यूकोजा लेयर में यानी कि अधःश्लेष्मिका में कुछ गड्ढे पाए जाते हैं यानी कुछ पैचेस पाए जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं पीआरए के गड्ढे।
पियरे के गड्ढे, पियरे पैचेस, जो कि लसिका ऊतक से बने होते हैं और ये लिम्फोसाइट्स का निर्माण करते हैं और लिम्फोसाइट हमें संक्रमण, हमारे शरीर में संक्रमण को रोकता है। और जो ये सब म्यूकोजा है, अधःश्लेष्मिका, ये हम डेड्यूनम में पढ़ रहे थे, सारा जो डेड्यूनम में आता है, क्या क्या आया डेड्यूनम में, विलाई, माइक्रोविलाई, लबरकुंड की दरारें, और इसमें सब म्यूकोजा में बुर्नर ग्रंथियां भी पाई जाती हैं। कौन सी ग्रंथियां पाई जाती हैं? बुर्नर ग्रंथियां, ये हमारी बुर्नर ग्रंथियां। ये बुर्नर ग्रंथियां पाचक रसों का स्राव करती हैं। थोड़ा कलर कर देती हूँ, आपको थोड़ा जी दिखाई दे रहा होगा लेकिन मुझे साफ दिखाई दे रहा है, ये देखें। तो क्या कार्य कर रही हैं? बुर्नर ग्रंथि, ये ग्रीन कलर की है, ये है बुर्नर ग्रंथि। बुर्नर ग्रंथि क्या काम करती हैं? पाचक रसों का श्राव करती हैं, पाचक रस श्रावित करती हैं। ये हमने देखा था डेड्यूनम में ग्रहणी की सारी संरचनाएं हैं। और जो हमारे पियरे के पैचेस हैं, ये है हमारे ईलियम में, यानी छुद्रांत्र में, छुद्रांत्र की सब म्यूकोजा में है पियरे के गड्ढे। अब हम पहले ग्रहणी के बारे में बात कर लेते हैं, डेड्यूनम के बारे में। ग्रहणी जो है ये छोटी आंत का सबसे छोटा भाग है, जिसकी लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर लंबाई होती है इसकी, और ये यू आकार का होता है। कैसे आकार का होता है? यू आकार का या फिर सी आकार का, और इस यू आकार का होता है और इसके बीच में पाया जाता है अग्नाशय, अग्नाशय यानी पैनक्रिया, पैनक्रियाज, पैनक्रियाज पाया जाता है। देखिए, जो हमने देखा था स्टमक जो होता है, जैसे ये हमारा स्टमक है, इस स्टमक से हमारा काइम आता है और यहाँ पे पायरोलिक वाल पाया जाता है और यहां से हमारी ग्रहणी स्टार्ट हो जाती है। तो ये ग्रहणी में प्रवेश कर जाते हैं, तो सिर्फ अमाशय का भोजन आया है। यहाँ पे जो पैनक्रिया होता है और ऊपर जो लीवर होता है, उसका कोई भी मटेरियल नहीं आया क्योंकि उसमें भोजन जाता नहीं। तो ये लीवर यानी यकृत और अग्नाशय और यहाँ पे जो पित्ताशय होता है, ये तीनों अपने अपनी जो रस होते हैं, जूस होते हैं, वो ले आते हैं, वो श्रावित करते हैं ग्रहणी में। किस तरीके से श्रावित करते हैं, देखिए डायग्राम से समझेंगे। जैसे ये हमारा लीवर है, हमारा डायफ्राम, ये है हमारा डायफ्राम, डायफ्राम से नीचे हमारा लीवर पाया जाता है, जिसे हम यकृत कहते हैं। ये यकृत जो है, यहां से दो वाहिनी निकलती है, यानी जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं डक्ट, दो वाहिनी निकलती है यकृत वाहिनी, जिसे हम हिपेटिक डक्ट कहते हैं। ये जो है, ये हमारी राइट हिपेटिक डक्ट और ये हमारी लेफ्ट हिपेटिक डक्ट, लेकिन हमारे सिलेबस में इतना लिखा है यकृत वाहिनी है। ये यकृत वाहिनी, इससे जो जूस आता है, बाइल आता है, बाइल यानी पित्त, बाइल को हम कहते हैं पित्त, तो यहाँ से जो जूस आता है वो यहाँ पैनक्रियाज में, और यहाँ से पैनक्रिया होता है, पैनक्रिया नहीं, ये पित्ताशय, गोल ब्लैडर, क्या है, गोल ब्लैडर, यहाँ से जो पित्तरस है वो भी इसी हिपेटिक डक्ट में डाल दिया जाता है। तो देखिए, यहाँ यकृत के साथ से जो वाहिनियां निकल देती है, उसे हमने कहा है हिपेटिक डक्ट, और जो गोल ब्लैडर है पित्ताशय, वो जिस वाहिनी से हिपेटिक डक्ट से जुड़ता है, उसे हम कहेंगे सिस्टिक डक्ट, यानी कि पित्ताशय वाहिनी। यकृत वाहिनी से तो इसका अपना श्राव आता है, और पित्ताशय वाहिनी से इस पित्ताशय का पितरस आता है। ये दोनों आकर के इस स्थान पर मिल रहे हैं, यहाँ पे मिल रहे हैं, तो यहाँ पे मिल गए तो आगे दोनों एक साथ चलेंगे। किस तरीके से? जैसे हमारे पास ये है हमारा हिपेटिक डक्ट और ये है हमारी सिस्टिक डक्ट,
यानी कि ये हमारी यकृत वाहिनी और ये हमारी पित्ताशय वाहिनी, ये दोनों जहाँ मिल गई, दोनों मिल गई है तो ये एक नई वाहिनी का निर्माण कर रही है। दोनों मिलकर के नई वाहिनी का निर्माण कर रही है जिसे हम कहेंगे पित्त वाहिनी। क्या कहेंगे? पित्त वाहिनी। दोनों मिल गई, दोनों मिलकर के एक वाहिनी का निर्माण कर रही है जिसे हम कहेंगे पित्त वाहिनी। ये पित्त वाहिनी हमारी यानी कि कॉमन बाइल डक्ट, ये कॉमन बाइल डक्ट है। अब यहाँ से हमारा स्टमक आता है, स्टमक से जो काइम होता है, काइम क्या बताया था मैंने, ये काइम है, ये यहाँ से ग्रहणी में प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन जो लीवर है और जो हमारा अग्नाशय है, यकृत और अग्नाशय, यहाँ इनमें भोजन जाता नहीं तो यहाँ का रस आते हैं। तो ये बाइल डक्ट के माध्यम से आ रहा है, पित्त वाहिनी के माध्यम से आ रहा है हमारा पित्ताशय और यकृत का रस। ये आता हुआ पैनक्रियाज, पैनक्रियाज को क्या कहते हैं? अग्नाशय। अग्नाशय में मिल जाते हैं, अग्नाशय में एक वाहिनी पाई जाती है, अग्नाशयी वाहिनी, सेम कहते हैं पैनक्रियाटिक डक्ट। ये पैनक्रियाटिक डक्ट यहाँ से अपना अग्नाशय रस श्रावित करती है और जो ये हमारी बाइल डक्ट है, पित्त वाहिनी है, ये अपना रस लेके आती है, पित्त रस लेके आती है और ये अग्नाशय रस, दोनों मिल जाते हैं। दोनों ग्रहणी में प्रवेश करने से पहले यहाँ पर मिल चुके हैं, देखिए यहाँ पर मिल चुके हैं हमारी दोनों वाहिनियां। तो ये वाहिनी हो गई है हमारी हेप्टो पैनक्रियाटिक डक्ट। कौन सी है? हेप्टो पैनक्रियाटिक डक्ट। अब ये प्रवेश करेगी ग्रहणी में, जैसे यहाँ पे ये ग्रहणी है, ये यहाँ से पैरोलिक डक्ट से नीचे का सारा जो भाग है ये है हमारा, सारी ग्रहणी स्टार्ट होती है डेड्यूनम, ये हमारे पैरोलिक वाल्व है, ये ग्रहणी है, ग्रहणी का ये भाग मैंने खुला हुआ बनाया है ताकि ये समझ में आए, ये जैसे हमने एक भाग कट किया हुआ है इस तरह, इसके ऊपर ऊपर का भाग हटा दिया, तो इसमें ये जो हेप्टो पैनक्रियाटिक डक्ट है जो कि बाइल डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट दोनों मिलकर के क्या बना रही है? हेप्टो पैनक्रियाटिक डक्ट। ये ग्रहणी में खुलती है और यहाँ पर एक अवरोधिनी पाई जाती है जिसे हम कहते हैं स्फिंक्टर। क्या पाई जाती है? स्फिंक्टर, अवरोध करने वाली अवरोधिनी, जिसे हम कहते हैं ओडी की अवरोधिनी, स्फिंक्टर ऑफ ओडी। एक बार फिर से देखते हैं, देखिए मैंने बताया था जो अमाशय में जो काइम होता है वो ग्रहणी में यानी डेड्यूनम में चला जाता है, लेकिन जो अदर पार्ट्स हैं जैसे लीवर हो गया, हमारा पित्ताशय, यकृत और अग्नाशय, इनमें तो भोजन जाता ही नहीं है तो इनमें पाचन कैसे होगा? तो यहाँ से कुछ वाहिनियां पाई जाती है, वो इनके रस को इस ग्रहणी में लेकर आती हैं। कैसे? जैसे ये लीवर है, लीवर में ये इस साइड की है राइट हिपेटिक डक्ट और इधर है लेफ्ट हिपेटिक डक्ट यानी कि यकृत वाहिनी, यहां से इस यकृत का रस आ रहा है और यहाँ पे पाई जाती है एक सिस्टिक डक्ट जिसे हम कहते हैं पित्ताशय वाहिनी, इस पित्ताशय वाहिनी से पित्ताशय का रस आता है, पितरस आता है, तो ये पितरस आता है और यहाँ से जो सिस्टिक डक्ट है यानी कि पित्ताशय वाहिनी और हिपेटिक डक्ट यकृत वाहिनी, ये दोनों मिल जाती हैं और मिलकर के बनाती हैं बाइल डक्ट यानी कि पित्त वाहिनी। अब ये बाइल डक्ट जाता है पैनक्रियाज से होता हुआ डेड्यूनम में यानी अग्नाशय से होता हुआ ग्रहणी में जाता है। उससे पहले यहाँ पर एक स्टॉप और आता है, वो है पैनक्रियाज यानी कि अग्नाशय। अग्नाशय में पाई जाती है अग्नाशयी वाहिनी यानी पैनक्रियाटिक डक्ट। ये जो पैनक्रियाटिक डक्ट है यानी अग्नाशय वाहिनी, इसमें अग्नाशय रस होता है जो कि ग्रहणी में प्रवेश कराया जाता है। लेकिन उससे पहले जो अग्नाशय वाहिनी और जो बाइल डक्ट है हमारी पित्ताशय वाहिनी और अग्नाशय वाहिनी, ये दोनों एक स्थान पर मिल गई हैं और मिलकर के बना लिया इन्होंने हिपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। तो यहाँ से लीवर का, पैनक्रिया का, सॉरी गॉल ब्लैडर, पित्ताशय का और पैनक्रिया का, इन तीनों का रस क्या, इन सभी का रस जाता है ग्रहणी के अंदर। तो यहाँ पे एक
अवरोधिनी पाई जाती है, स्फिंक्टर। अवरोधिनी को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्फिंक्टर। उसका नाम है ओडी की अवरोधिनी। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन मोस्टली पूछ लिया जाता है कि जो स्फिंक्टर ऑफ ओडी है वो कहाँ पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? डेड्यूनम में, ग्रहणी में, छोटी आंत के डेड्यूनम में, ग्रहणी में। इस ग्रहणी में हमने देखा था, डेड्यूनम में एक विशेष प्रकार की ग्रंथि है जिसका नाम है बुर्नर ग्रंथि, बुर्नर ग्लैंड। ये बुर्नर ग्रंथि जो है ये क्षारीय म्यूकस का श्राव करती है, एल्काइन म्यूकस, क्षारीय म्यूकस का श्राव करती है। ये कहाँ है बुर्नर ग्रंथि? ग्रहणी में। और जो पियरे के गड्ढे थे वो कहाँ थे? वो थे ईलियम में। ये था हमारा ग्रहणी का पार्ट। इसमें क्या क्या पाया गया था? बुर्नर ग्रंथि पाई गई है और स्फिंक्टर ऑफ ओडी, यानी कि ओडी की अवरोधिनी। अवरोधिनी को हम एक टूल टैक्स की तरह समझ सकते हैं कि ये अवरोध करती है आने जाने के लिए। नंबर सेकंड आता है ग्रहणी के बाद, जेड्यूनम के बाद आता है जेड्यूनम, जिसे हम कहते हैं मध्यांत्र। ये मध्यांत्र कितनी लंबी होती है? इसकी लंबाई होती है 2.5 मीटर। ये ध्यान रखिए, ग्रहणी की होती है 25 सेंटीमीटर और जो मध्यांत्र है जेड्यूनम उसकी होती है 2.5 मीटर। इसमें पोषक पदार्थ अवशोषित किए जाते हैं। और जो ये जेड्यूनम है ये मोटी होती है और अति संवहनीय होती है। अति संवहनीय मतलब इसमें जो ब्लड है वो ज्यादा आता है, ज्यादा ट्रांसपोर्ट होता रहता है, आता जाता रहता है। अब मध्यांतर के बाद नंबर थर्ड कौन सी आती है हमारी? छुद्रांत्र, जिसे हम कहते हैं ईलियम। इस ईलियम की लंबाई होती है 3.5 मीटर, 3.5 मीटर, 2.5 मीटर और 25 सेंटीमीटर, कुल मिला के हो गया 6.25 मीटर। ये कितनी लंबाई होती है इसकी? 3.5 मीटर लंबाई होती है। और जो मध्यांतर थी ये पतली थी, लेकिन जो मध्यांतर मोटी थी ये पतली होगी और इसकी तुलना में कम संवहनीय होगी, यानी कि इसमें कम वाहिनियां होंगी। और जो ईलियम है इसका जो एंडिंग पार्ट है, दूरस्थ भाग जिसे हम कहते हैं, इसका जो दूरस्थ भाग है वो फूला हुआ होता है, फूला हुआ होता है और वो सिकम से जुड़ा होता है। और इन दोनों के बीच में एक वाल्व पाया जाता है। उस वाल्व का क्या नाम है? उस वाल्व का नाम है इलोकोकल वाल्व। क्या नाम है? यहां वाल्व पाया गया है उसका नाम है इलोकोकल वाल्व, यानी त्रिकांत कपाट जो हमने देखा था। का क्या देखा था हमने? पाइलोरिक पार्ट वाल्व से लेकर के यहाँ एक त्रिकांत कपाट पाया जाता है, उसके बीच में फैली होती है छोटी आंत। यहाँ पे जो इसका अंतिम भाग होता है छोटी आंत का, छुद्रांत जैसे इलियम कहते हैं, वो फूला हुआ होता है उसका दूरस्थ भाग जो सिकम से मिल जाता है। और यहाँ पे कपाट पाया जाता है जिसे हम त्रिकांत कपाट या इलोकल वाल्व कहते हैं। ऐसा सब हमने पीछे पढ़ा था, याद आ गया हो तो क्या पढ़ा था? इलोकल वाल्व। तो यहाँ पे समाप्त होता है हमारा छोटी आंत का पूरा पार्ट। तो देखिएगा, आशा करती हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।